राधे राधे, कैसे हो आप सब। एक आईपीओ ओपन हुआ है दीपक कैपटेक्स का, तो देखते हैं कंपनी क्या करती है, आईपीओ डिटेल क्या है, पैसा बनेगा या नहीं, क्या करना चाहिए इसके अंदर, सब कुछ वीडियो में कवर करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लेना। इस कंपनी का नेम है दीपक कैपटेक्स लिमिटेड। इनका बिजनेस जो है वो कलरेंट्स का है, मैन्युफैक्चर करते ये, जिनका यूज फूड, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर एंड काफी सारे इंडस्ट्री में किया जाता है। कन्फेक्शनरी, बेकरी, डेजर्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर, सोप, डिटर्जेंट जैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स में ये कलरेंट्स का यूज किया जाता है। इंडिया के साथ साथ ये आउट ऑफ इंडिया भी अपने प्रोडक्ट्स को काफी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक चाइना, फ्रांस, केनिया, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गए इनके बिजनेस की बात। अब देखते हैं फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं। यहां पे सबसे पहले हम अगर एसेट्स की बात करें तो मार्च 2022 में 17.15 करोड़ के थे, देन इंक्रीज होते हुए सितंबर 2023 तक 28.20 करोड़ के हो गए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 फाइनेंशियल ईयर में 54.43 करोड़ के थे, 2023 वाले के अंदर 47.83 करोड़ के हो गए हैं। यहां रेवेन्यू में कमी आई है और उसके बाद 6 मंथ में अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक कंपनी ने 22.12 करोड़ का रेवेन्यू बना दिया है। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4.23 करोड़ के थे, देन 2023 वाले में 6.31 करोड़ हो गए हैं एंड उसके बाद 6 मंथ में कंपनी ने 3.11 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। यह एक चीज नोटिस करना कि रेवेन्यू जो है 2022 से 2023 में कम हुए है बट प्रॉफिट इस टाइम फ्रेम में बढ़े हैं। रिजर्व कंपनी के पास 10.81 करोड़ की है एंड बोरिंग जो है 1.21 करोड़ की है। सो फ्री कैश कंपनी के पास काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू उधारी के। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, रेवेन्यू में तो ग्रोथ नहीं हो रही है बट हाँ प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, जो थोड़ा सा सेंटिमेंट को सही कर रही है इस आईपीओ को लेकर। आईपीओ जो है ये ओपन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहेगा। प्राइस बैंड 76 से 80 रुपीज पर शेयर का फिक्स कर दिया गया है। इसका प्राइस जो है काफी सही रखा गया है, सस्ता प्राइस है इसका। ये देखो इस प्राइस पे जो पीई रेशियो बनता है वो बनता है 10.14 का, और अगर हम इसके कंपैरिजन बाकी इस फील्ड की कंपनी से करें तो वो सभी काफी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। सो प्राइस कम होने के कारण इसमें अच्छा मौका है पैसे बनाने का। अभी समझेंगे आगे कि इसमें हमें करना क्या है, कैसे करना है। इस आईपीओ के एक लोट के अंदर 1600 शेयर है, सो लोट के लिए बन जाती है 1,28,000 की। टोटल इश्यू का साइज जो है वो 23.04 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। रिटेलर्स को इसमें 31.61% का पोर्शन दिया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 9,56,800 बन जाते हैं। अगर लोट की बात करें तो 598 लोगों को इसमें ओपन मिलने वाला है। टाइम टेबल आपके सामने स्क्रीन पे है, ओपन 29 नवंबर को एंड क्लोज 1 दिसंबर को होगा। अलॉटमेंट मिलेगा 6 दिसंबर को, रिफंड आएगा 7 दिसंबर को, शेयर अकाउंट में आएंगे 8 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 11 दिसंबर को। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और कितना पैसा बनेगा। इस आईपीओ की डिमांड जो है काफी तेजी से बढ़ी है, एक तरफा प्रीमियम में तेजी हुई है। स्टार्टिंग इसकी 15% से हुई थी और बढ़ते बढ़ते एट प्रेजेंट में 40% चले गए हैं। तो अभी की बात करें तो ये आईपीओ सेफ लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। इसके साथ 2-3 और आईपीओ भी ओपन हुए हैं, उनके ऊपर वीडियोस भी ऑलरेडी बन चुकी है, आप चैनल पे जाकर उनको देख सकते हैं। या मैं एक काम करता हूं, उन वीडियोस का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना जिससे आपको आगे भी जो भी वीडियो आएगी ना उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। एक बायबैक भी ओपन चल रहा है सुमानी सिरामिक्स का, उसकी प्रॉफिट एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दी गई है, टाइम से उसको देख लेना, अदरवाइज उसकी रिकॉर्ड डेट निकल गई तो फिर मत कहना कि बताया नहीं। डेली जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन की अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूं, उनको ज्वाइन अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे यहां पे शो हो रहा होगा। अभी सबसे पहले उनको ज्वाइन कर लेना। इस आईपीओ में मैं लास्ट दिन तक का वेट करूंगा, अगर प्रीमियम 30% के ऊपर रहता है तो मैं डेफिनेटली कंसिडर करूंगा। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके बनाना, क्योंकि यह आईपीओ मार्केट है, यहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छे खासे प्रीमियम मिंट में जीरो हो जाते हैं और जिनके प्रीमियम नहीं होते वो भी कभी कभी अच्छे लिस्टिंग दे जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर बिजनेस फाइनेंशियल देखकर ही अप्लाई और डिसीजन बनाना। वीडियो को लाइक एंड सबके साथ शेयर याद से कर देना जिससे सबको पता चले क्या करना है इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।
बात करेंगे किसी और आईपीओ के बारे में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।